हेलो मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स, वर्ल्ड के जहाँ पे भी हो सेफ रहना। गलती से ये वेजिटेबल मेरे से सूख गया है, फ्रिज में ही था लेकिन सूख गया है। आप सभी कभी ये गलती हो तो ये वीडियो देखने के बाद ये सूखे हुए वेजिटेबल आप कभी फेंकोगे नहीं, गारंटी है। हाय एवरीवन, किचन एंड टुक टैक की तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये कुछ सूखे ड्राई वेजिटेबल्स है, गलती से मिस्टेक हो गया मेरे से। हाँ जी, गलती से मिस्टेक। ये फ्रिज में ही था, कुछ दिन मैं बाहर गई थी तो ये फ्रिज में पड़ा हुआ था सब्जी, बिल्कुल सूख गया है। और ये अब सूखे हुए सब्जी को फेंकूँगी, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसी से एक कुछ रेसिपी बनाते हैं, वही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से सूख गया है ये गाजर, ये शलगम वगैरह, और इनको छीलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करूँगी, एक बड़े बर्तन में सारे सब्जी को डाल दूँगी और रूम टेम्परेचर में पानी भर के, ठंडा पानी भर के मैं भगोने में रख लूँगी। और एक अच्छी तरह से पानी में डुबो के एक घंटा ऐसे पानी में डिप करके रख लूँगी सारे सब्जियों को। और एक घंटे बाद ये सब्जी काफ़ी हद तक फ्रेश हो गया है। काला काला जो भी स्पॉट है काफ़ी कम हो चुका है। बिल्कुल फ्रेश तो नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक ये जो इसका ड्राइनेस है कम हुआ है। एटलीस्ट सब्जी छील के काट के हम ठीक कर सकते हैं। अच्छी तरह से ऐसे मसल मसल के साफ कर लेंगे। ये गोभी भी देखिए काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है, और इसका पूरा आप काट पीट के इसको अच्छी तरह से ठीक कर लेंगे। और ख़राब तो नहीं हुआ था सब्ज़ी, खाली ड्राई ही हो गया था, और एक भी सब्ज़ी ख़राब नहीं था। तो अभी ये सारे सब्ज़ी मैंने धो लिया है, अभी इनको छील के अच्छी तरह से काट लेंगे। और ये देखिए ड्राई है लेकिन फिर भी छिला जा सकता है। तो सारे सब्जी को ऐसे हम छील लेंगे और इसके बाद हम ऐसे रफली चॉप कर लेंगे। ये चॉपर तो आजकल सबके किचन में ही होता है, तो ये चॉपर में मैंने सारे सब्जी को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहो तो चाकू के मदद से भी कर सकते हो या इलेक्ट्रिक चॉपर से कर सकते हो। मिक्सी में भी पल्स मोड पे चला के आप ऐसे बारीक बना सकते हो, क्योंकि मिक्सी में पेस्ट नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ड्राई वेजिटेबल था ना, तो मिक्सी में भी अच्छी तरह से पल्स मोड में हो जाएगा। और इतने सारे वेजिटेबल मेरे तैयार है, देखिए कितना बारीक हुआ है। खाली एक दो पत्ता गोभी का टुकड़ा है, बाकी सारा बहुत अच्छी तरह से बारीक हो गया है। और अभी इनमें मैं डाल दूँगी अदरक और लहसुन और हरी मिर्ची का, ऐसे ही मैंने बारीक करके काट लिया है, और दो प्याज। ये सब कुछ आप अपने पसंद के हिसाब से डालिएगा, और पसंद के अनुसार रेड चिल्ली पाउडर। और यहाँ पे मैंने मैदा डाल दिया है एक कप, और एक कप यहाँ पे लिया है मैंने बेसन, और नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। और अभी अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। बेसन हमें दो कटोरी चाहिए होगा, एक कटोरी अभी डाल दिया है, और अभी थोड़े थोड़े मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा सा बेसन ऐसे मिलाते जाएंगे। तो इतने ज़्यादा है ना सब्जी, सब्जी ज़्यादा था इसलिए दो कटोरी बेसन मेरे को इसमें लग गया है। और अभी तेल गरम करने के लिए रख लिया है। पहले एक ऐसे डाल के मैं देख लूँगी कोफ्ता, अगर नहीं टूट रहा है तो मतलब परफेक्ट है, नहीं तो और थोड़ा बेसन इसमें मिक्स करना पड़ेगा। और अभी फ्लेम मीडियम रखा है, और हाथ में ऐसे ही कोफ्ते बनाते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। और एक साइड में ऐसे जैसे उसी टाइम बना रहे हैं, इसलिए ये जिनको पहले डाला था वो पहले हो गया। कितना सुंदर कलर आया है देखिए। और बाकी ऐसे हम बना लेंगे, और काफ़ी टाइम लगा है लेकिन सारा मेरा पकौड़ा बन के तैयार है। कुछ मैंने कोफ्ते के शेप में बनाए, कुछ पकौड़े के शेप में, और सारा मेरा बनके तैयार है। और अभी ठंडा होने के बाद मैं एक
एयर टाइट बॉक्स में सारे पकोड़े रख लूँगी और थोड़ा सा ही बाहर रखूँगी अभी बनाने के लिए। बाकी 7 दिन के बाद मेरा कुछ कहीं पे खाना भिजवाना है तो वहाँ पे मैं सारा यूज़ कर लूँगी। 1 महीने भी अगर आप डीप फ्रिज में इसको रखोगे तो ख़राब नहीं होगा। और ये अभी मैं बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने आधा कटोरी ले लिया है बेसन फिर से, और 2 कटोरी लिया है दही। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दही डालेंगे और बेसन के साथ मिक्स करते जाएंगे, नहीं तो बेसन में गुटली आ जाएगा और बाद में गुटली को प्लेन करना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे तो गुटली नहीं आएगा। तो आधा कटोरी था बेसन और 2 कटोरी दही। और दही थोड़ा 1 दिन का बासी हो तो कड़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, खट्टा थोड़ा होने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसी दही वाले कटोरी से अभी 5 कटोरी मैं दे दूंगी प्लेन वाटर, रूम टेम्परेचर में 5 कटोरी पानी अच्छी तरह से हमें से पतला करके मिला लेंगे। और आधा कटोरी बेसन, 2 कटोरी दही और 5 कटोरी पानी। और अभी थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दूंगी और थोड़ा सा चिली पाउडर, और इनको मिला लूँगी। नमक अभी नहीं डालूँगी। अभी एक कढ़ाई में जो पकौड़े तले थे ना उससे छोटा 2 चम्मच तेल हमने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा मेथी डालूँगी, मेथी दाना बहुत टेस्टी टेस्ट आता है इसमें। थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स और अभी थोड़ा सा जीरा और रेड चिली दे दूँगी 2, और थोड़ा सा सौते कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। अभी थोड़ा सा हींग डाल दिया है और अभी एक प्याज हमने बारीक चॉप कर लिया है। बहुत ज़्यादा भुनेंगे नहीं, ज़्यादा यहाँ पे भुनेंगे तो कड़ी का कलर ख़राब हो जाएगा, ये एक टिप है। और अभी ये जो हमारा मिक्सचर था ना कड़ी का, वो सारा हम डाल देंगे। अभी ये डालने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे और कंटिन्यूस हिलाते जाएंगे, 1 सेकेंड के लिए भी छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो हमारा कड़ी कई बार ऐसे होता है ना फट जाता है। तो ये एक टिप है, हिलाते जाएंगे तो फटेगा नहीं। उबल आ गया है, अभी हम डालेंगे सॉल्ट। इससे पहले सॉल्ट नहीं डालेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, देखने में सुंदर लगेगा। और नमक डालने के बाद भी कंटिन्यूस हिलाना है, नहीं तो फटने का चांस रहता है। कितना बढ़िया कलर आया है देखिए दोस्तों। और अभी इस कड़ी का कंसिस्टेंसी आपको जैसे पसंद है ऐसे बनाइएगा। किसी को गाढ़ा पसंद है, किसी को थोड़ा पतला। मैं और आधा कटोरी पानी, गरम पानी ऐड कर दिया है। और अभी मैं उबाल आने के बाद पकोड़ा जो भी था हमारा डाल देंगे और पकोड़े को भी 10 मिनट हम उबाल लेंगे। एक भी पकोड़ा फटा नहीं, टूटा नहीं, बहुत बढ़िया बना है। 10 मिनट अच्छी तरह से उबाल के गैस बंद कर देंगे और अभी हम सर्विंग की तरफ जाते हैं। इसमें एक तड़का लग जाए तो क्या कहना। छोटे छोटे 2 चम्मच तेल ले लेंगे, वही पकौड़ा वाला। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और 2 रेड चिली, थोड़ा सा यहाँ पे अदरक का पेस्ट और यहाँ पे थोड़ा सा करी पत्ता। और गैस के फ्लेम अभी बंद कर देंगे और ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा अभी थोड़ा हिला लेंगे और ये गर्मा गर्म जाके कड़ी के ऊपर हम डाल देंगे। वाओ क्या कलर देखिए दोस्तों। और बेसन के साथ ये तड़का खुशबू से मेरा रूम भर गया है। और अभी मैंने चावल ले लिया है और चावल के साथ पंजाबी कढ़ी, क्या कॉम्बिनेशन है दोस्तों। कलर देखिए इसका, वाओ मुंह में पानी आ रहा है बिल्कुल। और ये हमारे पकोड़े देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है, कौन बोलेगा। ये ड्राई वेजिटेबल से हमने बनाया है। और वैसे तो पकोड़ा खाली प्याज और बेसन के साथ ही बनाया जाता है, लेकिन ये पकोड़े का एक इस्तेमाल हमने ऐसे किया है ना बढ़िया आइडिया दोस्तों। देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है। आप भी कभी वेजिटेबल ऐसे फेंकिएगा मत। कैसा लगा आइडिया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मेरा टुकटाक DIY सेक्शन में। टुकटाक में दोस्तों आज एक ऑर्गेनाइजेशन है पिलो को लेके। पिलो कवर तो हम सभी लोग लगाते हैं और जब पिलो कवर हमें
क्लीन करना होता है तो हम ऐसे ही खोल के क्लीन कर लेते हैं, ये सभी लोग करते हैं ना। तो ये एक आइडिया मैं लगाती हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो पिलो कवर धोना है वो उतार लिया है, अंदर भी एक पिलो कवर मैं लगा के रखती हूँ। जो पिलो कवर थोड़ा सा पुराना हो जाए और बाहर हम ऐसे यूज़ नहीं करते, वो पिलो कवर मैं हमेशा लगा के रखती हूँ, और जो नया है वो ऊपर लगा के रखती हूँ। पिलो के ऊपर ऐसे पुराने वाले कोई पिलो कवर ऐसे लगा के रखने से बहुत फ़ायदा है दोस्तों, क्योंकि पिलो जो है हमारा बहुत ऐसे पुराने वाले कोई कवर लगा के रखती हूँ तो पिलो गंदा नहीं होता, और इस तरह से पिलो के ऊपर कवर चढ़ा के रखती हूँ। और अब इसके ऊपर जो नया वाला कवर है जो बेडशीट के साथ मैचिंग आता है वो लगा लेती हूँ, और इस तरह से जो पिलो का जो साइड खुला हुआ है वो साइड अंदर के तरफ डाल के हम नए नए जो पिलो कवर है उसमें डाल देती हूँ। इस तरह से खुला हुआ साइड अंदर के तरफ दे देती हूँ। इसके वजह से दोस्तों जो रिंकल्स होता है ना पिलो कवर के ऊपर बहुत कम पड़ता है, और बेडशीट के ऊपर बहुत बढ़िया लगता है पिलो अगर रिंकल्स कम हो तो। और अभी ऐसे चेन बंद कर देंगे, और इस तरह से पिलो थोड़ा सा भारी भी लगता है, लुक भी इसका अच्छा आता है, और पिलो बेडशीट के ऊपर इस तरह से रखने से पिलो गंदा भी नहीं होता, और पिलो का रुई कई बार गालों में लगता है वो भी नहीं लगता डबल कवर की वजह से। तो ऊपर वाला जो हमारा कवर है वो हम उतार के ले जाएंगे, और अंदर वाला जो कवर है वो हम 3-4 महीने में या कई बार 6 महीने में एक बार धो तो भी चलता है। कैसा लगा आइडिया दोस्तों, बताइएगा। हरे कृष्णा।